जब सूरत हो खूबसूरत तो हो जाता है प्यार। सूरत पे फिसलने वाले तो हैं हजार, पर जो सीरत पे मर मिटे उसे कहते हैं प्यार। सुहानी सी एक लड़की नया शोहरा स्टार प्लस पे, लेकिन यहाँ एक लड़की नहीं है, दो दो लड़कियाँ हैं। इसमें सुहानी सी कौन है ये बताइए पहले। सुहानी ये मैं सौम्या हूँ। सुहानी सी, दोनों ही सुहानी सी लग रही हैं। दोनों ही सुहानी हैं, दोनों ही सुहानी हैं। आपके हिसाब से कौन सो ज़्यादा सुहानी है युवराज? देखो युवराज के लिए, युवराज को पटाना पर से इतना आसान नहीं है, तो फिलहाल तो युवराज के लिए कोई भी सुहानी नहीं है उनमें से। अच्छा, ये हमेशा ऐसा क्यों करते हैं? इसको अपने बारे में ऐसा बहुत बहुत बड़ी गलत फहमी है शायद, कि सारी लड़कियाँ इसके पीछे पागल है, कि बहुत गलत बात है, बिल्कुल इट्स नॉट ट्रू। मेरा जो भी घमंड है या जो भी है वो मेरे लिए सच है। अच्छा, तो मैं तो उसी में रहना चाहूंगा। जी, इसी तरह का करेक्टर है आपका कि जो अपने में ही रहने वाला है, ऐसा कुछ करेक्टर है आपका। बिल्कुल। आप दोनों के करेक्टर के बारे में जानना चाहेंगे, ब्रीफ देंगे कि किस तरह का करेक्टर होगा। मतलब लड़कियां होती हैं जनरली इस तरह से दिखाया जाता है कि बहुत हैपनिंग होती हैं या बहुत सैड सी होती हैं, किस तरह का करेक्टर है? मैं बिल्कुल सैड नहीं हूं, मैं बहुत खुश रहती हूं और आसपास के लोगों को एकदम खुश देखना चाहती हूं, उन्हें खुश रखती हूं और युवराज को भी एक ना एक दिन खुश कर ही दूंगी। सौम्या का करेक्टर कैसा है? जी हाँ, वो भी बिल्कुल ऐसे बिंदास है, आउटगोइंग लड़की है और जो उसके मन में आता है वही करती है, तो सैड बिल्कुल भी नहीं है। जो एक झटके में हो जाए वो प्यार, बाकी सब बेकार। अच्छा, ये बताइए कि राइड पे लेके गए थे ये आप लोगों को, देखा सबने कि पूरा इलाहाबाद घुमाया आपको, तो ये बताइए ये कैसी रही राइड? बड़ा मज़ा आया, रिक्शे पे भी बहुत बहुत मज़ा आ रहा था और इनकी कार में भी बहुत मज़ा आया। अच्छी कार, अच्छी है। सुहानी ऐसी नहीं है कि मतलब अब इनकी कार में इतना घूमी फिर बाद में बोल दे नहीं मज़ा नहीं आया, बहुत मज़ा आया, बहुत मज़ा आया। जो सच है वो सच है ना सुहानी, सच बोलना चाहिए ना, छोड़ना एक्चुअली में कितना मज़ा आया वो हमको बोलना चाहिए ना। व्हाट अ स्पीड, तो मतलब देखो तुम्हारी 10 के ऊपर तो जाती नहीं है। सुहानी ने कहा कि ये गाड़ी बहुत अच्छी है, मैं सुहानी से पूछना चाहूँगा कि इससे पहले वो कौन सी गाड़ी में बैठी है जो उनकी इतनी विशेष टिप्पणी दे रही है वो गाड़ियों की। मेरे ख्याल से अगर अगर बारिश हो रही है और आप एक बंद कार में जा रहे हैं, आपको क्या क्या उसमें मज़ा आएगा? आप रिक्शे में बैठे हो और बारिश हो रही हो और फिर आप मज़ा लीजिए बारिश का, लाइफ को, जिंदगी जीना सीखो। खुली गाड़ी है ना, और गाड़ी भी तो खुली है, लेकिन ये खटारा टाइप गाड़ी है, मतलब देखा, वेरी गुड। आई एम प्राउड। गाड़ी का ओनर सुनेगा तो इन लोगों सबसे पहले इनका सबको निकालने एग्जैक्टली इनके लिए हमको निकालने का आगे फेंक दिए, निकला हमारी गाड़ी। इनके लिए अच्छी गाड़ी का मतलब है जो शोरूम से निकलती है उसके आगे एक रिबन होता है, फिर उसके एक वो टीका लगता है, वो सब फिर पांच फोटोएं खींचती है, प्रेजेंटेड ऑन 3rd March 1944, वो इनका मतलब है। वो शुभ होता है, पूजा करने का एक रीजन होता है। ओके, इंडियन ट्रेडिशन, अलग ही इनका अलग ही कोई ट्रैक चल रहा है जो मेरे को बिल्कुल समझ नहीं आ रहा। अच्छा, ये बताइए कि ट्रैक कैसा है? जहाँ तक हमें पता चला है कि लव ट्रायंगल का ट्रैक है, ये इनको आपको चाहता है और वैसा चाहता है, ये ऐसा चाहता है, ब्रीफ देते रहते हैं आपके, अक्सर खबर आ जाती है हमें, पहले खबर पता चल जाती है, ये आपको आपके जरिए उन तक पहुँचना चाहते हैं, ऐसा क्या स्टोरी क्या है, एक ब्रीफ देना चाहेंगे, दर्शक अट्रैक्ट हो, देखें आपकी तरफ। बहुत बताओ यार, क्या क्या ऐसा कुछ नहीं है, आपको खबर जो है वो गलत मिली है। ऐसा है, ये शो एक किसी और से प्यार करता है, कोई दूसरा तीसरा से हाँ, ऐसा पर कुछ भी नहीं है। ये शो एक्चुअली वुमेन एम्पावरमेंट के ऊपर है, ये शो नई सरकार के ऊपर है, ये शो रेसिंग के बारे में, जहाँ गाड़ियाँ देख रहे हैं, ये शो स्पीड में रेसिंग, हाँ स्पीड पे रेसिंग, लेबर के ऊपर, लेबर एम्पावरमेंट के ऊपर, आपने साइकिल रिक्शा देखी, ये शो हर उस टॉपिक के बारे में जो लव ट्रायंगल से रिलेटेड नहीं है। कुछ देखने को मिलेगा, एक दो कैरेक्टर्स ऐसे भी हैं जो प्योर इलाहाबादी हैं, अमा अबे, तो सारे फ्लेवर सीखा इस तरह का। आपकी तो लैंग्वेज हमने देखी है कुछ इसी तरह की है, क्या क्या किस तरह से बात करेंगे? नहीं, बात करने का मतलब सुहानी अच्छे से ही बात करती है, बट फिर भी इनकी फैमिली में एक इनके कजिन है, कजिन कजिन कजिन, वो आपको पूरा फ्लेवर देंगे इलाहाबादी, इलाहाबादी फ्लेवर, करेक्ट। और उनका नाम है शरद और उनकी जान है क्या पान, वो हर वक्त पान खाते रहते हैं और बहुत सारे कैरेक्टर्स हैं। उनके लिए मैं एक डायलॉग यूज करता हूँ कि उनके स्टाइल में, उनके स्टाइल नहीं, उनके लिए मैं बोलता हूँ कि वो पान खा के मुझसे बात करते हैं, मैं बहुत इरिटेट हो जाता हूँ, मैं कहता हूँ कि शरद अगर तू मेरा कजन ना होता तो मैं अपनी शिकार वाली बंदूक से तेरे को शूट करके तेरी स्किन उधेड़ता और अपनी हॉल में टांग देता, तो बेचारा फिर उसका रिएक्शन कुछ ऐसा होता है तो बेचारा बहुत तब से डरा हुआ है। जब सूरत हो खूबसूरत तो हो जाता है प्यार। सूरत पे फिसलने वाले तो हैं हजार,
पर जो सीरत पे मर मिटे उसे कहते हैं प्यार। अच्छा चलिए चलते चलते बस आप लोगों से बोलना चाहेंगे, क्या कहेंगे जो देखें आपका शो, कुछ बोलना चाहेंगे दर्शकों को? प्लीज 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 अब हमारा शो देखिए, आपको बहुत मजा आएगा। 9 जून से 6:30 स्टार प्लस और रिपीट भी होगा तो वो भी बता देंगे हम, और यूट्यूब पे भी और फेसबुक पे भी। ऑल द बेस्ट हमारे साथ, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। कैमरामैन राजदेव सिंह के साथ आदित्य शर्मा, इलाहाबाद। जो एक झटके में हो जाए वो प्यार, बाकी सब बेकार।